हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स पहले आपके लिए कैसी थी और अब आपके लिए कैसी हैं। यानी पहले वो आपके लिए कैसा महसूस करते थे और अब वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं। क्या डिफरेंस आया है, क्या चेंज आया है, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए कोई स्पेसिफिक या पर्सनल रीडिंग की तरह इसको ना इसको ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और इसमें जो भी मैसेजेस आते हैं वो इंट्यूटिव होते हैं और जो भी एनर्जी होती है वो कलेक्टिव होती है। तो इसीलिए जो मैसेज आप तक पहुँचना है वो तो आपको मिल ही जाएगा। सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कि पहले वो आपके लिए कैसा महसूस करते थे और अब आपके लिए कैसा महसूस करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। Ace of Wands is the first card we have. Okay, hibernation and regeneration. Nine of Wands, which is good. Okay, and Queen of Swords. So yeah, here we have this card. Four of Wands. Interesting. तो पहले वो आपके लिए कैसा फील करते थे और अब कैसा फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि शायद पहले इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया है। आपके बहुत सारे एफर्ट्स, आपके बहुत सारे जेस्चर्स को भी इस इंसान ने इग्नोर किया है पहले, ऐसा तो लगता है। अवॉइड किया है, इग्नोर हो सकता है, जानबूझ के इग्नोर किया है, या ये भी चांसेस हैं कि इनकी सिचुएशन उस समय इतनी फेवरेबल नहीं थी, इसी वजह से इन्होंने इग्नोर करने में ही अच्छा समझा, उसमें ही भलाई समझी, वही ठीक लगा उस वक्त के, नहीं इस वक्त मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्स दूँ या इन सब चीज़ों को अलाउ करूँ, एक्सेप्ट करूँ या इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाऊँ। अभी सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि मैं इस वक्त अभी इन चीज़ों को इग्नोर करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, इन्होंने आपको या आपके किसी एफर्ट को इग्नोर किया है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स के आप काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं और काफ़ी आइसोलेशन में भी रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ओवर थिंकिंग भी करने लगे इस पर्सन की वजह से। ये इस पर्सन ने जैसा आपके साथ बिहेव किया उस वजह से आपको बहुत ह्यूमिलिएटेड और डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ। उस वजह से भी हो सकता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हुआ, थोड़ा सा आप सैडनेस के जोन में चले गए और सैडनेस के साथ साथ आप आइसोलेशन में चले गए, विच मीन्स कि आपने अपने आप को अकेला करने की कोशिश की। जैसे इंसान जब दुखी होता है, सच में दुखी होता है, तो वो सबसे कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़ लीव मी अलोन, दैट्स वॉट यू डिड। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने कोप भवन में चले गए, यानी अकेले, बिल्कुल अकेले, जैसे अपने आप को अकेले रखने में ज़्यादा आपको सहूलियत लगी, अकेले बैठना चाहा, अकेले रहना चाहा, ज़्यादा आपने इन्वॉल्व होने का नहीं सोचा या ज़्यादा दूसरों के साथ आप इन्वॉल्व हो ही नहीं पाए। तो ऐसा लगता है कि आपने खुद को अकेला भी कर लिया था या बहुत अकेले आप हो भी गए थे। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है, पहले ये ओपन नहीं थे ज़्यादा,
बहुत रिस्ट्रिक्टिव थे, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के थे या बहुत सीक्रेटिव थे। पर्सनालिटी ही ऐसी थी, ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना और ज़्यादातर मोस्टली अवॉइड करना चीज़ों को, इग्नोर करना। ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है व्यूअर्स, ये अपनी ही लाइफ में ऐसा लगता है काफ़ी बैटल्स लड़ रहा था। मैंने कहा ना, सिचुएशन इनके फेवर में नहीं थी। दे वर फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। इनके घर के क्लेश हो सकते हैं, इनका पास्ट कुछ ऐसा रिलेशनशिप या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो सकता है जिससे अभी भी पूरी तरह से ये बाहर नहीं, यानी कि तब तक ये पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए थे। ऐसा भी हो सकता है कि इन लाइफ में ना इनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो बहुत सरप्राइजिंग थी, बहुत अनप्रिडिक्टेबल थी और बहुत शॉकिंग भी थी एट द सेम टाइम। तो बहुत कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा था जो उन्होंने सोचा नहीं, प्लान नहीं किया। अचानक से, सडनली, आउट ऑफ नोवेयर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। वो लॉसेस भी हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं और ड्रास्टिक चेंजेस भी हो सकते हैं। इन्होंने किसी को खोया हो, कोई लॉस हुआ हो इनका, समथिंग हैपेंड, और उसकी वजह से ना थोड़े से घबराए हुए ये खुद थे उस समय। उस समय खुद भी इस इंसान का मन अशांत था और उस वजह से इन्होंने आपको भी शायद इग्नोर किया। और क्योंकि पास्ट से भी इनका अच्छे से अभी तब तक आई डोंट नो, हो सकता है कि पास्ट से भी ये इंसान तब तक पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाए थे एंड दे वर फाइटिंग दैट थिंग। यानी कि पास्ट जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे या जब ये बहुत ज़्यादा चुप चुप या सीक्रेटिव थे, तो अब तब तक ये इंसान अपने पास्ट से पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाया था, ये नहीं हो पाई थी और होने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे अटेम्प्ट्स, बहुत सारी कोशिशें कर रहे थे, पर बार बार इनका पास्ट इनका पीछा ही नहीं छोड़ता था। हो सकता है आज भी इनका पास्ट इनका पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपने पास्ट से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। और इन्होंने उस टाइम पीरियड में किसी और को डेट नहीं किया है, या बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ फ्लर्ट नहीं किया है, या बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ हैंग आउट नहीं किया है। वो अपने ही हीलिंग में रहे हैं, अपने आप को ही रिजुविनेट, रिचार्ज करने में रहे हैं। यानी कि अगर आपको अवॉइड किया, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों के साथ डेट किया, नहीं, वो दूसरे लोग ऑप्शंस को भी थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही रख रहे थे। दूसरे अगर कोई उनको अटेंशन दे रहे थे या कहीं और से उनको इफ़ नॉट अटेंशन तो कहीं और से इनको अगर कोई प्रपोजल, कोई ऑफर या कोई अप्रोच भी करता था, तो भी ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, बिकॉज वो अपनी हीलिंग पर, अपनी मेंटल पीस पर और अपने आप को रिचार्ज करने पर, रिजुविनेट करने पर ध्यान दे रहे थे। क्योंकि ऐसा लगता है उनका पास्ट एक्सपीरियंस जैसा भी रहा है और उस चीज़ से स्ट्रगल करते करते या एक टफ बैटल लड़ते लड़ते ये इंसान जो है इमोशनली और एनर्जेटिकली काफ़ी एग्जॉस्ट हुआ है या हुई है। और उस वजह से व्यूअर्स वो ओपन हार्टेडली और बहुत हैप्पीली आपका वेलकम नहीं कर सके अपनी लाइफ में, और इग्नोर करना ठीक समझा, क्योंकि उनको कुछ वक्त चाहिए था। दे नीडेड दैट टाइम टू हील। उनको ज़रूरत थी उस समय कि उनको थोड़ा समय मिले, थोड़ा स्पेस मिले, जिससे कि वो इतने एग्जॉस्ट हुए हैं एनर्जेटिकली। कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी रही हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से काफ़ी ट्रॉमा हुआ है, उस चीज़ को पहले रिलीज़ करें, क्योंकि उनकी लाइफ में ना बहुत सरप्राइजेज आ रहे थे। ऐसा लगता है जैसे उनको नहीं पता था कि किस्मत उन्हें किस तरफ ले जा रही है। तो उस वक्त वो थोड़े डिफेंसिव भी रहे या डिफेंसिव भी रहीं, और आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं दी, क्योंकि खुद को क्लैरिटी नहीं थी, आपको क्लैरिटी कहाँ से मिलती। लेकिन ऐसा लगता है व्यूअर्स, नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। यस, डेफिनेटली अब परिस्थिति बदल गई है। अब जो ये इंसान, अब जो ये महसूस करते हैं, बहुत फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ कि पहले इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, एनर्जेटिकली काफ़ी एग्जॉस्टेड थे और लाइफ में बहुत सारे शॉक्स और सरप्राइजेज इनको मिल रहे थे, तो इसीलिए कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली, सडनली एक सरप्राइज और शॉक के फॉर्म में आपको मिलती हैं, तब आप प्रिपेयर नहीं होते उसे एक्सेप्ट करने के लिए और थोड़े से ब्लैंक रहते हो। आपको नहीं पता अब आप क्या करोगे, आपको नहीं पता व्हाट्स नेक्स्ट, थोड़े ब्लैंक रहते हो, क्लैरिटी नहीं होती है, तो आप दूसरों को क्या क्लैरिटी दोगे। तो यहाँ ऐसा था, लेकिन अब ऐसा लगता है इस इंसान को सच में क्लैरिटी है। नाउ दे नो व्हाट दे नीड टू डू। अब ये इंसान जानता है कि अब क्या करना है। क्यों? क्योंकि अब वो रिजुविनेट होने का, रिचार्ज होने का या खुद को हील करने का टाइम उन्हें मिला, वो समय उन्हें मिला, और वो समय उनके लिए सच में ऐसा था जब वो अपने अंदर से पेन, नेगेटिविटी या जो भी ट्रॉमा था या जो भी स्ट्रगल करके या एक टफ फाइट दे के, जो भी फ्रस्ट्रेशन, एंगर जो था, वो सब कुछ रिलीज कर पाए हैं।
अब सब कुछ रिलीज हो गया है, अब वो एक रिजुविनेटेड, रिचार्ज और एनर्जेटिक पर्सन दोबारा हैं, और अब उनको क्लैरिटी है, अब उनको अपनी लव लाइफ को लेकर भी क्लैरिटी है, और अब वो आपको रिस्पॉन्स देने के लिए ही नहीं, इनफैक्ट आपके लिए जेस्चर्स, यस, आपके लिए अच्छे रोमांटिक जेस्चर्स, स्वीट जेस्चर्स करने के लिए भी रेडी हैं, बिकॉज नाउ दे नो कि अगर वो आपकी दिशा में जाते हैं, इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ नॉट जस्ट एन ऑप्शन बट इट्स अ गुड चॉइस. तो उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आपकी तरफ जाते हैं तो उनको उनके लिए अच्छा ही है. और अच्छा है का मतलब ये नहीं कि फ़ायदा या नुकसान है, अच्छा है मतलब कि उनको ये बात समझ में आई है कि उन्होंने अगर आपके एफर्ट को इग्नोर किया है या आपको इग्नोर किया है तो उसमें उन्होंने ठीक नहीं किया है, उनको ये चीज़ तो रियलाइज़ हुई है. साथ ही साथ उनको ये भी समझ में आया है कि अब वो आपको कुछ क्लैरिटी दें, कुछ एक्सप्लेनेशन दें कि उन्होंने क्यों ऐसा बिहेव किया, वो लाइफ में किस वक्त से गुजर रहे थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्या इशूज़ थे जिस वजह से वो आपको इग्नोर किया उन्होंने, या उन्होंने आपको अवॉइड किया, जो भी किया. तो अब वो सोचते हैं कि शायद उन्हें आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, बिकॉज यू डिज़र्व टू नो द ट्रुथ. उनको ऐसा लगता है क्योंकि आप जानना डिज़र्व करते हो कि क्यों उन्होंने ऐसा बिहेव किया, क्यों उन्होंने इतना वियर्ड बिहेव किया. तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं ऐसा लगता है, और अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, आपको लेकर भी अब काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और ऐसा लगता है अब आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन चाहते हैं. ये एक बेस्ट फ्रेंडशिप जैसा भी कनेक्शन हो सकता है, ये एक रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता, एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये शादी का रिश्ता भी हो सकता है, लेकिन यूनियन तो है. ये आपके साथ एक होना चाहते हैं अब, और अब इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड यूं ही नहीं आता. नाउ दे वॉन्ट टू बी विद यू, नाउ दे वॉन्ट टू इन्जॉय विद यू. अब वो आपके साथ सच में होना चाहते हैं, चाहे आपके साथ दोस्ती करनी पड़े या शादी करनी है या आपको एक अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी बनाना है, लेकिन आपके साथ वो एक डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अब मेंटेन करना चाहते हैं. अब वो आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, एक ब्यूटिफुल यूनियन चाहते हैं. ओके, वो अब आपको इग्नोर अवॉइड नहीं करना चाहते, अब तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको ट्रुथ रिवील करना चाहते हैं, बिकॉज नाउ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड नाउ दे नो वॉट दे शुड डू. अब उन्हें पता है क्या करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी ब्लैंक और कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड नहीं है यहाँ पे. यहाँ पर देखिए सभी जोडियक साइंस हैं, एयर है और फायर है. ओके, तो देखिए एयर फायर यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, एयर और फायर. फिर भी मैं कहूँगी जो भी हमारे सारे साइंस जोडियक साइंस हैं वो सभी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, यानी कि ये रीडिंग सभी के लिए है. चाहे मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंटली अगर बताऊँ तो मैंने बोल दिया है फायर और एयर, लेकिन ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है. तो आपका कोई भी जोडियक साइन हो, आपके पर्सन का कोई भी जोडियक साइन हो, ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है. ओके, तो इस इंसान ने जैसा भी आपको फील कराया था, बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड इट. पहले करेज की कमी थी, लेकिन देखिए ना कैसे पत्थरों के भीतर से फूल उगा है. ओके, जो पत्थर होते हैं वहाँ कैसे ये उगेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हिम्मत, करेज की बात है यहाँ पे, कार्ड भी करेज का है, तो ये करेज इन्होंने गैदर किया है. मैंने कहा ना, अब कॉन्फिडेंस भी आया है, करेज भी आया है, अब उनके अंदर हिम्मत आई है. पहले वो एनर्जेटिकली भी एग्जॉस्ट थे, अब एनर्जेटिक हो गए हैं, कॉन्फिडेंट हो गए हैं, करेजस हो गए, अब हिम्मत है कि वो इस रिश्ते के लिए, यानी कि इस कनेक्शन के लिए जो ये बनाना चाहते हैं आपके साथ, उसके लिए कोई स्टेप लें, इसीलिए यहाँ पर फूल खिल पाया है. यानी कि जहाँ पर व्यूअर्स आपको इम्पॉसिबल लग रहा था कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक ड्राई लैंड है, एक बैरन लैंड है, क्या कहते हैं, सूखी बंजर ज़मीन है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वहाँ पर हरी भरी घास और पौधे हैं. इसका मतलब ये है कि एक जैसे रेगिस्तान में पेड़ पौधे उगना, तो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ जो आपको लग रही थी या सबको भी लग रही होगी, पर अब वो चेंज होगी, और यहाँ पर ये इंसान आपके लिए अब स्टेप्स ले पाएगा, और वो भी आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा व्यूअर्स, क्योंकि वो स्टेप्स भी ऐसे लेंगे वो आपके लिए जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जो आपने कभी सोचे नहीं थे. आपके लिए भी सरप्राइजेस आपको मिलेंगे ऐसा लगता है. बियॉन्ड इल्यूजन, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान पहले ओवर थिंकिंग करने में ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते थे. मैंने कहा ना, क्योंकि एनर्जेटिकली भी एग्जॉस्ट थे,
और क्योंकि उनका पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो एक ट्रॉमा भी उनको हो रहा था, एक तरह का स्ट्रेस बना हुआ था उनको, और उनकी लाइफ बहुत डायरेक्शनलेस और विजनलेस थी। वो भी ना बहुत ओवर थिंकिंग करते थे और बहुत इल्यूजन में रहते थे, ऐसा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, और बड़ी बात हो जाएगी, कुछ वर्स्ट हो जाएगा, या और भी फेक सिनारियोस क्रिएट करते थे, नेगेटिव फेक सिनारियोस जिसमें कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गलत होगा, कुछ अनहोनी होगी, कुछ ऐसा होगा जिसमें ये और भी प्रॉब्लम फेस करेंगे। कहीं ना कुछ जब बुरा होता है तो इंसान उस वक्त जो सोचता है वो भी अच्छा नहीं सोच पाता, तो ये ओवर थिंकिंग भी करते थे और इल्यूजन में रहते थे, रियल वर्ल्ड में नहीं आ रहे थे ये। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये उस इल्यूजन के बियॉन्ड देख पा रहे हैं, इनको दिख रहा है कि इनकी आगे की लाइफ है, इनको कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, इनकी आगे की लाइफ है, इनको एक पार्टनर चाहिए, एक जेन्युइन पार्टनर, और आगे मूव करना है, पास्ट का एक्सपीरियंस जैसा भी रहा हो, हाउ एवर इट वॉज, लेकिन अब इनको किसी के साथ, किसी का हाथ थाम के, नॉट नॉट ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी का हाथ थाम के ही, लेकिन अब इनको ऐसा लगा है कि अब इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लव लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहिए और इल्यूजन से बाहर आना चाहिए कि ऐसा ही होगा, बुरा ही होगा, गलत ही होगा। हर चीज़ को एक न्यू बिगिनिंग की तरह, एक फ्रेशनेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए कि सब लोग भी सेम नहीं होते और हमेशा हमारे एक्सपीरियंसेस भी सेम नहीं होते। देखिए, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ गया, और मैंने बोला भी था आपको कि जो ही चीज़ अब तक इम्पॉसिबल लग रही थी कि ये नहीं हो सकता, ये अब नहीं होगा, और होप भी चाहे आप लूज कर चुके थे, वो अब होगा, यानी कि अब उम्मीद जाग चुकी है, हिम्मत आ चुकी है, इल्यूजन ख़त्म हो चुका है, इंसान रियलिटी में आ चुका है, और अब सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, अब आपका प्यार उनके साथ पॉसिबल होगा, अब आपका गहरा रिश्ता, अब आपका ऑफिशियल रिश्ता उनके साथ पॉसिबल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये इंसान इल्यूजन को ब्रेक करके आ चुका है रियलिटी में, या आ चुकी है रियलिटी में। इनके अंदर हिम्मत की कमी थी व्यूअर्स, ऐसा लगता है। आइए चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से। चलिए अब लेते हैं। Get that message, come back. तो आप जहां भी हैं, अगर आपने इनके लिए एफर्ट्स लिए थे और उसके बाद आपको बुरा लगा, इनके बिहेवियर से काफी ह्यूमिलिएटेड और डिसरिस्पेक्टेड लगा, और आप चले गए इनकी लाइफ से, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कम बैक, डोंट गो, कम बैक, लौट आओ। नॉट एबल टू कन्फेस, तो शायद वो जो आप फील कर रहे हैं उसको अभी तक कन्फेस नहीं कर पाए हैं या कर नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ना, करेज लगेगा, अब तक नहीं कन्फेस कर पाए तो आगे करेंगे। आई फील अ पुल टुवर्ड्स यू, मुझे आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है। तो व्यूवर्स, अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ एनर्जी ऐसी है, कुछ कनेक्शन ऐसा है जो उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, समथिंग इज पुलिंग देम टुवर्ड्स यू, कुछ उनको आपकी तरफ ले जा रहा है, कुछ ऐसा है जो उनको आपकी तरफ धकेलता है, ये वो आपसे बोलना चाहते हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। बिकॉज दे नो कि आप बहुत स्वीट थे उनके साथ, बहुत अच्छे थे उनके साथ, बहुत जेन्युइन थे, और उन्होंने आपको इग्नोर किया या आपके साथ गलत बिहेव किया, उसी वजह से ये कहना चाहते हैं आई डोंट डिजर्व यू, आप इतने अच्छे हो कि शायद मैं आपको डिजर्व ही नहीं करता, ये नहीं करती। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने परसेंट आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है, और अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूवर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिलीज, बाय बाय एंजल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।